रेलवे स्टेशन परिसर में नया तैनात साइकिल स्टैंड दबंग ठेकेदार की प्रणाली ने यात्रियों और उनको छोड़ने या लेने रेलवे स्टेशन परिसर तक अपने वाहन से आने वाले उनके रिश्तेदारों और शुभचिंतकों के लिए रेलवे स्टेशन परिसर तक आना किसी सजा से कम साबित नहीं हो रहा है। नहीं नहीं भाई साहब, एक सेकंड, कुछ भी तुम करो, हम बैठे ठेकेदार जी, क्या हासियत है? एक मिनट, ठेकेदार। चलो अभी हम जीआरपी इंस्पेक्टर से बात कर रहे हैं। सरकारी नहीं सर, जीआरपी की। आप दबंग ठेकेदार की मांगी रकम दे दे, नहीं की आपकी बेइज्जती भी होगी और जीआरपी से शिकायत की तो भी अपमान का डोज ज्यादा ही सहना पड़ेगा। गाड़ी स्टैंड व परिसर से दूर भी हो तो दबंग ठेकेदार के कहर से बचना असंभव नहीं तो मुश्किल अवश्य है। यही नहीं, जिसका जिम्मा केवल ट्रैफिक पुलिस को ही है वो काम भी साइकिल स्टैंड चलाने वाले ठेकेदार के उर्गे ही अंजाम दे रहे हैं। फिर आप मोटरसाइकिल पर बैठे हों या मोटरसाइकिल पकड़कर खड़े हों, आपकी फ़ोटो खींच जाएगी और चालान घर पहुंच जाएगा। चालान पहुंच जाएगा तो अलग बात, आपकी बेइज्जती भी। किस हद तक सारे नियम कायदों को दरकिनार कर ठेकेदार के गुर्गे आरपीएफ के संरक्षण में करते हैं कहना मुश्किल है। पूरा वाक्य उस समय का स्पष्ट हुआ जब एक पत्रकार को छोड़ने दूसरे पत्रकार रेलवे स्टेशन तक गए। उसे अपनी स्कूटर से उतरा ही था कि प्रेस लिखने होने के बावजूद साइकिल स्टैंड के ठेकेदार ने गुर्गों ने अपनी फितरत दिखाते हुए पत्रकारों की बेइज्जती और उनकी स्कूटी की फोटो खींचना शुरू कर दिया। 50 से 100 रुपये मांगने लगे। विरोध पर 2 SI भी मौके पर पहुंचे और साइकिल स्टैंड ठेकेदार का पक्ष लेकर उसी की भाषा बोलने लगे। जब पत्रकारों ने अपना कैमरा निकाला, वर्दीधारी को ध्यान हुआ कि मामला पत्रकार से उलझ गया है, जिसके बाद अपनी करनी को छुपाने के प्रयास करते हुए आसपास एकत्र सैकड़ों की भीड़ को पहले उन्होंने इतर बितर किया, फिर पत्रकारों को थाने चलकर बात करने की बात कही। जब पत्रकारों ने नियम कायदे कानून जानना चाहा तो अपनी जान बचाते हुए SI सफाई देने लगे। मुझे आप देख ही रहे, दो ही 3 मिनट हुए, हमको भी पता है, कायदा कानून सब पता है। हमें गाड़ी लगानी होगी, हम पार्किंग के अंदर लगाएंगे, यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे। मेरी गाड़ी उठ जाएगी, ये ठेकेदार साहब देंगे कि जीआरपी देंगे, कोई नहीं देगा। हमको बहुत अच्छे से पता है, मैं यही सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूँ, आशीष शुक्ला मेरा नाम। और वो यहाँ के निजी ठेकेदार जो जो तथाकथित इन्होंने बताया ये फोटो खींच रहे हैं और ये सब, तो मैंने कहा हमारी बात है। हाँ, हम बैठे हुए बैठने के बावजूद फोटो खींच रहे हैं। ठीक है, बस हमने कहा नहीं। तो ये बताइए कि यहाँ पर अगर कोई पार्किंग स्टैंड है तो आप गाड़ी, आप एक लड़का लगा हुआ है। हाँ, हाँ, वो यहाँ से गाड़ी लेके वहाँ खड़ी करने के भी पावर में है। अच्छा, हाँ, इसकी जानकारी और आपको चाहिए? हाँ, तो आप जीआरपी में जाके पता कर लीजिए। आपका ठेका है यहाँ पर? हाँ, क्या नाम है आपका? दिग्विजय सिंह।